फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक अजीम भाई को 19 साल पुराने एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है व 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 19 साल पुराने बलवे के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2001 में फूलन देवी की हत्या के विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति और काम में बाधा के चलते असीम भाई को सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को 10 साल जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष के विरुद्ध वर्ष 2001 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सपा काल में बस जलाए जाने के मामले में सजा सुनाई गई थी। उसी मामले को लेकर कोर्ट ने आज उन्हें सजा सुनाई है। उनके सजा सुनाए जाने के बाद प्रसपा नेता मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 2001 का यह मामला है। 2001 में फिरोजाबाद शहर के सुभाष चौराहे पर बलवे में अजीम भाई पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बसों में आग लगाई है। उस समय अजीम भाई समाजवादी पार्टी के नेता थे। यह मुकदमा 19 साल तक चला और आखिर आज एडीजे कोर्ट 8 में विशेष न्यायाधीश केशव गोयल ने 10 वर्ष की सजा सुना दी और 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। अजीम भाई सजा सुनाते समय कोर्ट में उपस्थित थे। सजा सुनाते ही पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया और पुलिस उन्हें जेल ले गई। 2001 में बलवे के मामले में 3 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें अजीम भाई, संजय यादव और मंशा राम यादव थे। लेकिन कोर्ट ने संजय और मंशा राम को पहले ही जमानत दे दी थी, लेकिन अजीम भाई को बरी नहीं किया था। अब जाकर कोर्ट ने उस पुराने मामले में सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सिरसागंज विधायक हरिओम यादव उनसे मिलने कोर्ट पहुंचे, जहां उनसे मिलकर वह भावुक हो गए। अजीम भाई ने जेल जाने से पहले कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने फूलन देवी की हत्या को लेकर विरोध किया था। सांसद फूलन देवी जी की हत्या हुई थी, तो उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था जैन मंदिर पर। तो 3 लोग नामजद थे, मैं था, संजय यादव थे, मंशाराम यादव थे। तो संजय यादव और मंशाराम यादव बरी कर दिए गए थे पहले ही। हमारी फाइल अलग थी, तो आज माननीय न्यायाधीश ने सजा बोली है। हाईकोर्ट पर विश्वास है और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सजा हुई है, क्या मामला था और इस मामले में आगे क्या रही है, कैसा मानते हो? देखिए, अदालत के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। ये मामला पुराना है, जब फूलन देवी की हत्या हुई थी तो प्रजातंत्र में विरोध करना राजनीतिक व्यक्ति का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। उनकी क्रूरता से हत्या की गई थी। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने ऐलान किया था कि इसके खिलाफ, हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उसी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया। उसमें जो लोग थे उसमें 2 लोग छूट गए, बरी कर दिए गए और अजीम को आज सजा दे दी गई। कानून पर हमें लोग विश्वास है, अदालतों पर बहुत भरोसा है। अब जो आदेश है उसको स्वीकार करते हैं और उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा और ये सजा खत्म होगी। क्या मामला है, कब का है और कितनी सजा हुई? 27/6/2001 को पूर्व सांसद माननीय फूलन देवी की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा था। उस प्रदर्शन, उसके उपलक्ष में फिरोजाबाद में जिला अध्यक्ष हरिशंकर यादव प्रदर्शन करके ज्ञापन देकर चले गए थे, लेकिन अजीम भाई, मंसाराम और संजय यादव जी ने फिर आगरा की तरफ से जो बस आ रही थी उस बस को जला दिया। उसमें 3 लोगों के विरुद्ध SHO उत्तर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, नामजद। मुकदमा पंजीकृत के बाद आरोप पत्र न्यायालय में लगा, दौरान विचारण अजीम भाई की पत्रावली पृथक कर दी गई थी। 2 लोगों की पत्रावली चलती रही, जो वो 2 लोग एक्यूटल हो गए थे। अजीम भाई का विचार यह जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में विशेष न्यायाधीश MP MLA माननीय डॉक्टर केशव गोयल जी के द्वारा
अष्टम में विचार किया गया, जिसमें विचारण के दौरान 6 गवाहों को अभियोजन पक्ष हम लोगों का हमारे द्वारा परीक्षित कराया गया, जो गवाहों ने माननीय न्यायालय में अपनी मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा में आइडेंटिफिकेशन किया था कि अजीम भाई द्वारा बस में आग लगाई गई थी और मनशाराम द्वारा केरोसिन मिट्टी का तेल दिया गया था, संजय यादव ने माचिस दी थी। तो अपराध पूरा अजीम भाई जी द्वारा किया गया था, इसलिए आज अजीम भाई को अष्टम न्यायालय में माननीय डॉक्टर केशव गोयल जी विशेष कोर्ट MP MLA द्वारा 10 साल की सजा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।